नमस्कार दोस्तों, एवी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपके सामने अपनी व्यक्तिगत बात रखना चाहता हूँ, जो कि हमारे भारत सरकार की इंडियन रेलवे के बारे में है। रेलगाड़ी यूँ तो हमारी लाइफलाइन है, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में हमारी बहुत मदद करती है और बहुत ही इजी कनेक्टिविटी है, बहुत ही आरामदायक इसमें सुविधाएं मिलती हैं हमें। और जिस तरीके की सफाई मुझे 2014 के बाद देखने को मिली है, मैं उसकी सराहना करता हूं इस भारत सरकार की, क्योंकि 2014 के पहले शायद इतना नहीं ध्यान दिया जाता है सफाई पे, जो कि अब मुझे देखने को मिलती है। मैं ध्यान आपका उस तरफ ले जाना चाहता हूँ जो थोड़ी सी खामियाँ इसमें रह गई हैं, जिसके यात्रियों को थोड़ी सी समस्याएं उठानी पड़ती हैं समय समय पर। आपने देखा होगा कि अगर आप जब स्टेशन जाते हैं तो कभी कभी ट्रैफिक की वजह से आपको समय कम मिल पाता है और ट्रेन शायद आपके सामने खड़ी होती है और आपको विद इन 1 मिनट में उस पर चढ़ना होता है और अपनी सीट ढूंढनी होती है। तो आप क्या करते हैं कि पहले तो बेसिकली जो एक सिस्टम है कि आप हर बोगी पे देखते हैं कि कौन सी सीरीज चल रही है, मान लीजिए D4 है, D5 है, D6 है, तो अभी तक हमारे जो पढ़ाई का सिलसिला है वो 1-2-3 करके है, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि D1 के बाद नॉर्मली D2 ही डब्बा लगा होगा बोगी जिस पे हमें शायद चढ़ना है, मान लीजिए D2 बोगी है अगर आपकी तो। लेकिन जब आप वहाँ देखते हैं तो D1 के बाद शायद हो सकता है कोई AC का बॉक्स डब्बा लगा हो या B1 लगा हो या C1 लगा हो और शायद आप उसे ढूंढ रहे होते हैं और समय कम होता है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी ट्रेन का चलने का स्टेशन हो, जहाँ से बन के चलती हो या जहाँ से उसका स्टार्टिंग स्टेशन, अगर सिस्टमेटिक वे से उसकी बोगियाँ लगी होंगी, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 इस तरीके से, तो जो यात्रा करने वाले पैसेंजर्स हैं उनको बहुत मदद रहेगी। जिनकी इस तरीके की सुविधाएं मिलने से उनको यात्रा करने में बहुत ही सुविधा रहेगी और यात्रा करने में उन्हें कोई भी किसी प्रकार की ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी। एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग बोगी पे जब बाहर से देखते हैं तो उसमें मेंशन होता है कौन सी बोगी है, S1, S2, S3, इसी तरीके से जब हम गेट के अंदर बोगी पे चढ़ते हैं तो एक मेंशन वहाँ पे भी होना चाहिए कि ये कौन सी बोगी है, मान लीजिए S1 है, S2 है, S3 है, जो भी है। अगर जिस तरीके से बाहर मेंशन किया गया है उसी तरीके से अगर अंदर भी मेंशन होगा तो ये काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मान लीजिए आप जल्दीबाजी में हैं, आपने ट्रेन में चढ़ लिया, अब आपको ढूंढना है कि आपकी कौन सी बोगी है, तो आपको या तो किसी से परफेक्ट जानकारी लेनी पड़ेगी जिसको कंफर्म पता हो ये कौन सी बोगी है, या फिर आपको हर स्टॉपेज पे रुक के देखना पड़ेगा बाहर से कि ये कौन सी बोगी आई, कौन सी बोगी नहीं है। अगर आप अंदर मेंशन कर देंगे तो यात्रा करते समय ही यात्री अंदर ही अंदर कनेक्ट हो जाएगा और अपनी बोगी को ढूंढ कर उस पर सही स्थान पर बैठने का प्रयास कर सकता है। इससे बहुत मदद मिलेगी यात्रा करने के समय में यात्रियों को। एक उदाहरण मैं और भी देना चाहूँगा, मान लीजिए जैसे आप किसी और जगह से जा रहे हैं और कोई दूसरा पैसेंजर जो साथ में आपके जाना है, जिसको मान लीजिए आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी कलीग्स हैं, तो आप अगर उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप जब ट्रेन में चढ़ लेते हैं, मान लीजिए जैसे आपके पास समय कम है और ट्रेन का 30 सेकेंड्स में निकलने वाली है और आपके साथ में जो कलीग हैं आपसे उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, मतलब मुलाकात नहीं हो पाई, केवल ये पता है कि इस स्टेशन में इस प्लेटफॉर्म नंबर पे ये गाड़ी नंबर है और इस पे आपको चढ़ना है, मान लीजिए टेलीफोनिक आपकी बात हुई कि इस ट्रेन में आपको चढ़ जाना है और दोनों अगर नहीं मिलते हैं तो उस ट्रेन पे चढ़ने के बावजूद वो अंदर ही अंदर कनेक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन अगर अंदर हर बोगी में ये मेंशन हो ये कौन सी बोगी है तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी उस तरीके की यात्रा करने में भी। ये उनकी सुविधाओं के लिए रहेगा अगर इस और ध्यान दिया जाए, है तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन यात्रा करने में बहुत लाभदायक होगी हर यात्री के लिए। एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये हर इंसान के साथ में हो सकता है, होता होगा,
क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर होता रहता है। जैसा कि आप अगर मान लीजिए आपको ट्रेन पकड़नी है और आप अगर 3 बजे की ट्रेन और आप 2:45 2:40 पे आ जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं इत्मीनान से, तो ट्रेन हमेशा आपकी लेट आएगी। हो सकता है इसके चांसेस 80% हैं कि ट्रेन लेट आएगी 10 से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। लेकिन मान लीजिए इसका अपोजिट कि अगर आप 3 बजे की ट्रेन है आपकी और आप 2:55 पे ऐसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं कि वहाँ से 6 मिनट लगेगा आपको पहुँचते पहुँचते, केवल 6 मिनट। मतलब आप 3 बजे की ट्रेन है और 3:01 पे उस प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएंगे, तो इसके चांसेस 99% है कि वो ट्रेन राइट टाइम होगी और वो शायद 1 मिनट पहले निकल चुकी होगी 3 बजे अपने निर्धारित समय पे। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये होता है अक्सर और ये आम नागरिकों के साथ में कुछ ज़्यादा ही होता है। ये भी सारी चीज़ें हैं, अपनी अपनी जीवन की अपनी अपनी बातें हैं।